प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुरी तीन दिवसीय यात्रा खातर विया रवाना। प्रधानमंत्री ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग रा नया भवन रो करेला उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी रा नया सिरासु सदस्यता अभियान री प्रदेश में भी शुरुआत। जयपुरा पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई पदाधिकारी करी सदस्यता ग्रहण। बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस से कने फाइटर प्लेन मिग 29 व्यो क्रैश। हादसे ने लेर वायुसेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रा दिया आदेश। पेरिस पैरालंपिक में भारत अबार तई जीत्या 15 पदक। काल एक ही दिन में 2 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक करिया आपरे नाम। और प्रदेश में कई ठोरा माथे मानसूनी बिरखा रो दौर जारी। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन राज्य रा पूर्वी हिस्सा में भारी बिरखा होबारी जताई संभावना। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप घने मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर री 3 दिनारी यात्रा खातर आज रवाना वे गया है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसलन बोलकियारा निमंत्रण माथे ब्रुनेई गया है। या किणी भारतीय प्रधानमंत्री री पहली द्विपक्षीय यात्रा वेली। प्रधानमंत्री अठे भारतीय उच्चायोग रा नया भवन रो उद्घाटन करेला। पीएम मोदी इन पाछे सिंगापुर रा दौरा माथे भी जावेला। बेगावन में बनी भारत की नई चांसरी इमारत में परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मिश्रण है। यह चांसरी ब्रुनेई के राजनयिक क्षेत्र में अन्य देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के पास स्थित है। इसके निर्माण में 3-4 साल का समय लगा। वास्तुकला की दृष्टि से यह इमारत दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। यहाँ एक हौज और 300 लोगों की क्षमता वाला एक बहुउद्देश्य हॉल बनाया गया है। ब्रुनेई दारुसलाम में उद्घाटन समारोह को लेकर भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रा नया सिरासु सदस्यता अभियान री शुरुआत हुई। जयपुर भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा समेत कई पदाधिकारी सदस्यता ग्रहण कीनी। अभियान ने लेर भाजपा मुख्यालय माते कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। इंड्रे पाछे प्रदेश में बड़ा पैमाना माते लोगा कानीसु पार्टी री सदस्यता ग्रहण करी जावेली। बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस से कने फाइटर प्लेन मिग 29 कैश हुई गयो। हादसा सु पहली पायलट अपने आप ने सुरक्षित बारे काट लियो। जानकारी मुजब काल देर रात 10 बजे फाइटर प्लेन रहवासी ढाणी सु दूर जान क्रैश वे गयो। क्रैश रे पाछे तेज धमाका रे साथे विमान में आग लाग गई। जानकारी मिलबा माथे पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी मौका माथे पुग्या। वटे ही इंडियन एयरफोर्स मामला ने लेर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रा आदेश दिया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रा पेपर लीक मामला में एसओजी आरपीएससी रा पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने जेल सु गिरफ्तार करी है। एसओजी रा एडीजी वीके सिंह बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा रो पेपर लीक करबारा आरोप में लाडली साल अप्रैल सु बाबूलाल कटारा जेल में है। वे बताया कि पूर्व में गिरफ्तार आरपीएससी रा तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा ने आमे सामे बैठार पूछताछ करी जावेली। वटीने पुलिस मुख्यालय सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ने रद्द करबा खातर सरकार ने प्रस्ताव भेजियो है। 7 तारीख तक का रिमांड उनका मिला है। अभी जो पुलिस रिमांड में चल रहे हैं वो 5 एसआई प्रोबेशनर हैं जो राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में ट्रेनिंग ले रहे थे। इसमें से रामूराम रायका जो एक्स मेंबर रहे आरपीएससी के, उनके बेटा और बेटी दोनों हैं। बेटी का रैंक 5वीं था और बेटा का रैंक 40वें था। उन दोनों को परसों गिरफ्तार किया था और उनसे जो खुलासे हुए उसके बेसिस पे कल मिस्टर रामूराम रायका को अरेस्ट किया गया है। 7 तारीख तक उनका रिमांड मिला है, उनसे अनुसंधान चल रहा है और आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर रा चार दीवारी खेतर और पर्यटन महत्व रीठोरा माथे दौरो करियो। उप मुख्यमंत्री रे साथे जयपुर नगर निगम हेरिटेज रा कमिश्नर अभिषेक शुराना, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक प्रीति चंद्रा और पर्यटन विभाग रा उपेंद्र शेखावत मौजूद रिया। उप मुख्यमंत्री शहर रा कई ठोरा रो जायजो लेर हेरिटेज सु संबंधित विषय माथे अधिकारी सु चर्चा करी। राज्य सरकार बजट में जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास खातर 100 करोड़ रूपया रो प्रावधान करियो है। उप मुख्यमंत्री रो यो दौरो भी इन योजना ने लेर करियो जा रियो है। जोधपुर में चल रही 5 दिवसीय सीमा सुरक्षा बल री इंटर फ्रंटियर फुटबॉल प्रतियोगिता रो काल समापन वे गयो। समापन समारोह में भारतीय फुटबॉल टीम रा पूर्व कप्तान मगन सिंह राजवी और बीएसएफ रा राजस्थान फ्रंटियर रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग समेत कई लोग मौजूद रिया। इन मौके ऊंट दस्ता कानीसु केमल टेटू शो री शुरुआत करेगी प्रस्तुति दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि विजेता और उपविजेता टीमा ने ट्रॉफी प्रदान करी। प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल रा 11 फ्रंटियर री टीम भाग लेनी। खिताबी मुकाबलों पंजाब ने जीत ली। इंटर फ्रंटियर फुटबॉल कंपटीशन बीएसएफ का हुआ, इसमें हमारे बीएसएफ के टोटल 11 फ्रंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो पश्चिम भारत की सीमाओं के 5 फ्रंटियर्स और पूर्वी सीमाओं के 6 फ्रंटियर्स, टोटल 11 फ्रंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट हमारे इसमें पंजाब फ्रंटियर आया और सेकंड गुजरात फ्रंटियर आया। खिलाड़ियों बहुत ही बढ़िया दोस्त दोनों टीमें, वो गोलेस जो खेली थी टाइम ब्रेकर में जिनके मैच भी बहुत अच्छा था और आगे भी नए खिलाड़ियों को शिक्षा मिलेगी आगे बढ़ने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत कर सके और ईमानदारी सिंसियर रह के जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा और आगे जाने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम राजस्थान के रह के और सिंसियर रहे और जितने भी कैंप लगे सब अटेंड किए और आगे इंडिया टीम में कैप्टन भी बने और अर्जुन अवार्ड भी लिया, तो ये कहना है कि आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और भरतपुर पुलिस रेंज रा सगला 6 जिला में अपराधियों ने पकड़वा खातर 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलायो गयो। रेंज आईजी राहुल प्रकाश रा निर्देशन में संचालित करियो गयो इन अभियान में पुलिस री 7 टीमा 681 अपराधियों ने गिरफ्तार करी। अभियान के दौरान रेंज रा सगला पुलिस अधीक्षक रा नेतृत्व में 1273 पुलिस अधिकारी और जवाना री टीमा 1309 ठोरा माते दबिश दीनी। भरतपुर रेंज में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई ऑपरेशन बजट प्रहार के तहत चलाई जाती है और इस महीने में भी हम लोगों ने 31 अगस्त और 1 सितंबर इन 2 दिनों पे ये अभियान चलाया था, जिसमें कि कुल सभी 6 जिलों ने मिलाकर के 300 टीमों का गठन किया था और इन 300 टीमों ने 1300 स्थानों पर दबिश दी, जिसमें कि 403 वांछित अपराधी तथा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। ये 403 धारा 170 BNSS के अलावा है, मतलब ये वो हैं जो कि किसी मुकदमे में वांछित थे या किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 155 लोग तो वारंटीज हैं जिनके खिलाफ वारंट था, गिरफ्तारी वारंट था या स्टैंडिंग वारंट था या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे। 10 हिस्ट्री शीटर हैं, इनमें कुल गिरफ्तारियों में 13 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और 68 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनको कि नए प्रकरणों में आबकारी एक्ट के दर्ज हुए, आर्म्स के दर्ज हुए, उसमें गिरफ्तार किए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल काल टोंक जिला मुख्यालय माथे अजमेर रेंजरा पुलिस अधिकारी रे साथे बैठक कर कानून व्यवस्था री समीक्षा कीनी। इन दौरान वे कया कि महिलावां और बालिकावां सु संबंधित अपराधारी रोकथाम करी जावे, वटे ही नशारा कारोबारियां माथे भी शिकंजो कस्यो जावे। वे कया कि प्रदेश में महिलावारी सुरक्षा ने लेर सरकार पूरी तरीका सु गंभीर है। बैठक में रेंज आईजी ओम प्रकाश समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हुआ। टॉक में टॉक शाहपुर और पेकी जिले की कल अजमेर और प्याम से लेंगे, परसों डीडवान और नागौर से। तो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी सीरियस नेचर के क्राइम है, खासकर महिला अत्याचार और बच्चों से संबंधित, उस पर विशेष फोकस है। तो किस जिले में क्या रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, घटा है, कितनी पेंडेंसी है और जो पुलिस मुख्यालय की जो विभिन्न योजनाएँ हैं महिलाओं से संबंधित, चाहे वो सुरक्षा से की
या अन्य कोई हो, तो उस तरह की उस पर जो कम्युनिकेशन की योजना है उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या कुछ कमी है, कुछ और सुधार की आवश्यकता है, इन सब पर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम दौसा में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजीलाल मीणा और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी विजय मीणा ने 12,000 रूपया की रिश्वत लेवता थका रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी रा डीएसपी नवल किशोर मीणा बताया कि आरोपी परिवादी सु बकाया इंसेंटिव राशि रो भुगतान करावारी एवज में हर महीना 1,000 रूपया रा हिसाब सु 12,000 रूपया की रिश्वत मांग रही हो। एसीबी परिवादी की शिकायत का सत्यापन पाछे दोनों अधिकारियों ने रंगे हाथा रिश्वत लेता पकड़ लियो। पेरिस पैरालंपिक में भारत अबार ताई कुल 15 पदक जीत लिया है। काल रुदिन भारत खातर पद का खातर खास रियो। इन दौरान 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक भारत ने मिलिया है। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में जबकि सुमित ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिलियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार और सुमित ने बधाई देनी है। प्रदेश में कई ठोरा माते बिरखा रो दौर जो है वो लगातार चल रियो है। प्रदेश में लाड़ला 24 घंटा की बात करा तो लाड़ला 24 घंटा में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला में कठई कठई भारी बिरखा दर्ज करी गई है। इन दौरान सबसु बत्ती बांसवाड़ा भूंगड़ा में 115 मिलीमीटर बिरखा दर्ज हुई है। वटई श्रीगंगानगर में 61 मिलीमीटर पानी बरसियो है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में भी बिरखा सु खो नागोरियान इलाका में नूर बांध टूट गयो, जिनसु आर एस आर रा इलाका में पानी भर गयो। मौसम विभाग के मुजब प्रदेश में अबार ताई 568 मिलीमीटर बिरखा बह चुकी है, जिनसु ज्यादातर बांध ओवरफ्लो बह चुक्या है। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन राज्य रा पूर्वी हिस्सा में भारी बिरखा हो पारी संभावना जताई है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुरी 3 दिवसीय यात्रा खातर विया रवाना। प्रधानमंत्री ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग का नया भवन नो करेला उद्घाटन। भाजपा रा नया सिरासु सदस्यता अभियान की प्रदेश में भी शुरुआत। जयपुरा पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई पदाधिकारी करी सदस्यता ग्रहण। बाड़मेर में उत्तलाई एयरबेस से कने फाइटर प्लेन मिग-29 वियो क्रैश। हादसा ने लेर वायुसेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रा दिया आदेश। पेरिस पैरालंपिक में भारत अबार ताई जीतिया 15 पदक। काल एक ही दिन में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक करिया आपरे नाम। और प्रदेश में कई ठोरा माते मानसून बिरखा रो दौर जारी। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन राज्य का पूर्वी हिस्सा में भारी बिरखा हो पारी जताई संभावना। डीडी राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी उपलब्ध है। इन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखता रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।